नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। आज हम आपके साथ बालों को नेचुरल तरीके से कलर कैसे किया जाता है उसका मेथड आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इसका मतलब होता है बिना किसी केमिकल के बालों को कलर करना या डाई करना। इसका दूसरे शब्दों में सफ़ेद बालों को काला करना या कलर करने से भी समझ सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने क्लाइंट की ज़रूरत के हिसाब से एक प्लास्टिक के बाउल में 170 ग्राम प्योर मेहंदी का पाउडर ले लिया है। मेहंदी को घोलने के लिए कभी भी लोहे की कढ़ाई या बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसका कारण मैं आपको आगे बताऊंगी। इसमें एक चम्मच या दो पाउच कॉफ़ी पाउडर डाल लिया है और ये है हमारे आज के नेचुरल हेयर कलर की जान, जिसका इस्तेमाल करने से हमारे बालों का कलर और अधिक डार्क हो जाएगा। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में एंटी डैंड्रफ हेयर ऑयल बनाने का तरीका बताया था, जिसको मैंने प्याज, सरसों के तेल, लौंग, करी पत्ता और कपूर से बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। उसके बचे हुए एक्सट्रैक्ट को मैंने इस तरीके से पीस लिया है और उसको मैंने स्टोर करके रख लिया है। जब भी हेयर कलर करती हूँ तो उसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसका 1 से 2 चम्मच मेहंदी के पाउडर में डाल लेती हूँ, जिससे हेयर का कलर और अच्छा तो होता ही है। हमारे हेयर जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत भी होते हैं, डैंड्रफ की संभावना भी बहुत हद तक कम हो जाती है, क्योंकि मेहंदी या हेयर कलर कभी भी हम जब करते हैं तो उससे हमारे जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है, ये उसको ड्राई होने नहीं देता। अब हम इसमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से 1 चम्मच एलोवेरा जेल यूज़ करेंगे। आप चाहें तो घर का एलोवेरा ही यूज़ कर सकते हैं। अब उसको पानी डाल करके इसका अच्छे से थिक पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेहंदी को कभी भी प्लेन या खाली नहीं लगाना चाहिए, मतलब हम जब भी मेहंदी का पेस्ट बनाते हैं अपने बालों में लगाने के लिए तो उसमें हम एलोवेरा जेल या कॉफ़ी पाउडर या ऐसे कुछ मॉइस्चराइजिंग करने के लिए कुछ कुछ चीज़ों को ज़रूर मिक्स करना चाहिए, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेहंदी को भिगाने के लिए कभी भी लोहे के बर्तन या कढ़ाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा मिथक है कि लोहे की कढ़ाई में हम जब भी मेहंदी को घोल के अप्लाई करते हैं अपने बालों में तो हमारे बालों का कलर काला हो जाता है। नहीं, ये सरासर गलत बात है। हो सके तो अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो इस काम को करने से बच जाएं। अब हम इसको 4 से 6 घंटे के लिए ढक देते हैं और अब मैं आपको आगे की बात बताती हूँ कि हमको लोहे के बर्तन या कढ़ाई का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए। 4 से 6 घंटे के बाद आप मेहंदी का टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया निखर करके आया है। आपने सुना ही होगा कि लोहे के बर्तन में मेहंदी को घोलने से हमारे बाल और ज़्यादा काले होते हैं और हमारे बालों को आयरन भी मिलता है, जो कि सरासर गलत है। हाँ, आप हेयर ऑयल बनाने के लिए लोहे के बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बहुत बेनिफिशियरी भी है, लेकिन लोहे के बर्तन में मेहंदी को घोल के लगाएंगे तो हमारे बालों का टेक्सचर और भी अधिक ड्राई तो होता ही है, क्योंकि मेहंदी हमने मिक्स किया है। लेकिन मेहंदी की ड्राइनेस को कम करने के लिए और उसकी गुणवत्ता को बनाने के लिए हमने एलोवेरा जेल, कॉफ़ी पाउडर और हेयर ऑयल का एक्सट्रैक्ट मिलाया, जिससे मेहंदी का ड्राइनेस वो कम हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। साथ आपके बालों को पोषण देने के लिए आयरन का इस्तेमाल करना, तो आयरन का इस्तेमाल आप खाने के साथ भी कर सकते हैं, मतलब आप खाइए और अपने बालों को आयरन दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है, बशर्ते कि आप लोहे की कढ़ाई में मेहंदी को घोल करके लगाएँ। तो प्लीज़ आज के बाद ये जो आप कर रहे होंगे, मेहंदी लोहे की कढ़ाई में भिगो के लगा रहे होंगे, अप्लाई कर रहे होंगे, तो वो बंद कर दीजिए। यहाँ पर मैंने धुले हुए बालों में मेहंदी को अप्लाई करना शुरू कर दिया है। चलिए, इसको अप्लाई करते करते मैं आप लोगों को हिना, कॉफ़ी और एलोवेरा की गुणवत्ता के बारे में भी बता देती हूँ। हिना मतलब मेहंदी, मेहंदी में अपना खुद का कलर होता है, जिसके कारण कलर लंबे समय तक चलता है। मेहंदी स्कैल्प के पीएच को भी संतुलित करती है। प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट से मेहंदी का अप्लाई करने की वजह से हेयर फॉल का खतरा भी कम हो जाता है। हमने एलोवेरा का भी इस्तेमाल किया था 1 चम्मच। एलोवेरा बालों को हाइड्रेट और मॉइस्चराइज करने में मदद करता है, या सिर की खुजली को शांत करने में मदद करता है। यह रूसी और पपड़ी को भी कम करता है। यह बालों के विकास को प्रोत्साहित करता है और बालों को नुकसान से बचाता है। अब आती है कॉफ़ी की बारी। दोस्तों, कॉफ़ी बालों के लिए नेचुरल डाई का काम करता है और जैसा कि मैंने आपको बताया, जब हम अपने बालों में हिना का अप्लाई करते हैं तो हिना का अपना खुद का कलर होता है, लेकिन उसका कलर जो है वो ऑरेंज होता है। कॉफ़ी हिना के साथ मिक्स होने के बाद में उसके कलर को और ज़्यादा डार्क कर देता है।
कॉफ़ी का इस्तेमाल करने से स्कैल्प की सफाई हो जाती है, हमारे डैंड्रफ से भी हमको मुक्ति मिल जाती है, और कॉफ़ी का यूज़ हेयर ग्रोथ करने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है, और इससे बालों में चमक आती है। हिना अप्लाई करने के बाद शावर कैप लगाकर 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दें, इतना सफिशिएंट है हमारे बालों में नेचुरल कलर लेकर के आने के लिए। हिना एप्लीकेशन करने के बाद हमेशा शावर कैप या झिल्ली से बालों को ढकें। इससे हमें फ़ायदा ये होता है कि हमसे जहाँ पे भी गलती हो जाती है या छूट जाते हैं हमारे बाल, तो उसमें मॉइस्चराइज़र या हीट जनरेट करने होने की वजह से बालों में उन जगह में भी मेहंदी का कलर बराबर अच्छे से हो जाता है जो हमसे छूट जाता है। दूसरा, बाल टूटते और झड़ते नहीं हैं। बालों में शावर कैप अप्लाई नहीं करने से या शावर कैप नहीं लगाने से हमारे बाल जब भी हम धोते हैं तो टूटने लगते हैं। बिना किसी केमिकल के यूज़ किए बालों को नेचुरल हेयर कलर करने का यह तरीका यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कम से कम अपने एक दोस्त को शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्यार मोहब्बत के बंधन में बंधने के लिए प्योर दहेज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।